कैसे हो दोस्तों, स्वागत है मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। आज का एपिसोड काफ़ी एंगेजिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ जितने भी बचे खुचे ऑप्शनल क्वेस्ट। तो शुरुआत करते हैं मास्टर रैंकिंग से और उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ बढ़ता जाऊँगा लोअर रैंकिंग पे। तो यार सबसे पहले है HR अरीना पिंक राथियन, तो इस क्वेस्ट को मैं करता हूँ शुरू। कोशिश करूंगा कि पिंक राथियन को इस बार पूरा ही ख़त्म करने के लिए क्योंकि एक बार कैप्चर कर चुका हूं और मुझे नहीं लगता अभी उसके कोई नई रिसोर्स की ज़रूरत है। तो यार चल देते हैं क्वेस्ट पे। और ये हूं मैं तैयार क्वेस्ट जाने से पहले। एज यूजुअल मैं कर लूंगा मील, शेफ चॉइस प्लेटर, नाइस। तो अभी हेल्थ है 100%, स्टैमिना है 100%। यूज कर रहा हूं मैं लॉन्ग स्वॉर्ड, उठा लिया मेरे कुछ बैलिस्टिक एमो और कोशिश करूंगा सबसे पहले राथिन को एक वॉल बैंक दे सकूं और उसके पैरों को टेंडराइज करने की कोशिश करूंगा। इसके रोर को कर लिया मैंने डॉज रोल और इसको मैंने कर दिया वॉल बैंक, नाइस। पहला टेंडराइज, एक और। टू लेट, नाइस सेव। पैरों को कर लिया मैंने टेंडराइज, नाइस फोर साइट, एक और बार, बुरी टाइमिंग, फिर से एक और फोर साइट, टाइमिंग सही नहीं थी इसलिए कॉम्बो कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा हुआ, पॉइजन स्टैट्स नहीं लगा मेरे पे जो कि बहुत अच्छी बात है। पहला कॉम्बो, दूसरा कॉम्बो, पूरी टाइमिंग, मौका है। और ये क्या फिर से, नाइस ट्राई। एक बार फिर से इसको हेल्प ब्रेकर देने की कोशिश करता हूं, नॉट बैड। फिर से राथियन को नीचे गिरा दिया है, हेड पे, नाइस शॉट, फोर साइड, कॉम्बो कंप्लीट, डॉज रोल, बुरी टाइमिंग, कर लेता हूं मैं खुद को हील। उसी टाइम के अंदर पांकड़ भी लाई, इसको संभाले, यह अच्छा मौका है। और ये गुड शॉट, कोशिश करता हूं इसके पूंछ को काटने की और पूंछ खत्म, नाइस। एनिमेशन में मार टक गया था, फोर साइट इसकी वजह से नहीं कर पाया। राथियन डाउन, शार्पनेस मेरी कम हो चुकी है लेकिन इससे पहले मैं एक और बार हेल्म ब्रेकर इसके सर पर लगाऊंगा, नाइस शॉट। इससे पहले क्यों उठ जाए, मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस लेके वेपन शार्पन कर दूंगा। अरे कुछ ज्यादा ही तेज भागा वो, बांकर बिल्ले कुछ कर, ओके बांकर बिल्ले अपने काम पे है, तब तक मैं कर लेता हूं अपना वेपन शार्प, नाइस।
उस साइट कॉम्बो कंप्लीट नहीं कर पाया। टेंडराइज खत्म हो चुका है, इसको एक बार फिर से मैं टेंडराइज करने की कोशिश करता हूँ। पूरी टाइमिंग हवा में नहीं लटकना था, कर लेता हूँ मैं खुद को हील। एक और बार उसको अभी वॉल बैंक करूंगा मैं, क्योंकि जैसे दिख रहा है कि वो अभी एग्रो नहीं है। नाइस, पार्ट्स ब्रोकन, जल्दी से पैरों पे जाके कर देता हूँ मैं इसको टेंडराइज। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, राथिन डाउन, हेल्म ब्रेकर की कोशिश करते हैं और ये गुड शॉट। एक बार फिर से का अटैक पैटर्न तीन बार का है जैसा लग रहा है। अरे बहुत ही गलत जगह के हिटबॉक्स पे था भाई। थैंक्स बिल्ले, भागने का। अरे बहुत ही गलत टाइम पे मैं स्टन हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, ड्रैगनेटर तैयार है, इसको पास बुलाता हूँ पहले, इसको बेट करता हूँ अपने पास और फिर मैं चला दूंगा इसके ऊपर ड्रैगनेटर। एकदम फ्रंट पे है और गुड शॉट। पिंक रैथियन हो चुका है खत्म, पूंछ कट चुकी है और इस हिसाब से मुझे मिलने चाहिए टोटल 4 लूट या फिर 4 तरह के हार्वेस्ट। नाइस, तो यार ये क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेस्ट में मैं कोशिश करूँगा कि कोई दूसरा वेपन यूज़ करूँ। होपफुली मैं यूज़ करूँगा चार्ज ब्लेड, क्योंकि जितना मेरे को याद है स्विच एक्स मैंने पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं किया था, तो स्विच एक्स वैसे काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ करा नहीं है, तो चांसेस है कि स्विच एक्स मैंने क्योंकि अपग्रेड नहीं करा, तो चांसेस है कि हाई रैंकिंग के मॉन्स्टर्स को उससे मैं ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाऊँगा। और एक चीज़ देख सकते हो यार, बिल्ला जो है एकदम ही स्टोरी के शुरू के आर्मर में है, तो बिल्ले को एक नया आर्मर और एक नया वेपन दिलाना चाहता हूँ मैं। और मॉन्स्टर हंटर में तुम्हारे जो बिल्ले होते हैं उनके वेपन्स के बारे में मैं तुमको कुछ बता दूँ, कभी भी बिल्ले के जो वेपन्स है वो डैमेज रिलेटेड उनको हैंडल करना बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इससे मेरा क्या मतलब है। मैं जाऊंगा वर्कशॉप पे, राइट, और मैं जाऊंगा स्मिथि के पास, और यहां पर जैसे कि तुम देख सकते हो फोर्ज पैली को इक्विपमेंट। तो अगर मैं यहां पर गया हाई रैंकिंग में, तुम देख सकते हो काफी सारे वेपन्स है बिल्ले के पास और काफी सारे आर्मर्स भी है। तो बिल्ले को यूजुअली या तो स्लीप या तो पैरालिसिस वेपन पकड़ाना ही सबसे बेटर होता है, क्योंकि मिड क्वेस्ट में बिल्ले जो है मॉन्स्टर को पैरालाइज कर सकते हैं या फिर मॉन्स्टर को सुला सकते हैं, जिससे तुम्हें एक बहुत ही बड़ा डैमेज टाइम मिल जाएगा, एक डैमेज विंडो मिल जाएगा अगर हील वगैरह करना हो। और क्या कहते हैं, मान लो कि एक बहुत टाइट सिचुएशन में हो और अचानक से मॉन्स्टर सो जाए, तो बहुत ही बेटर चीज़ है ये। तो देख सकते हो यार यहाँ पर पैरालिसिस के लिए मेरे पास अभी ये ऑप्शन है पैरालिसिस 70 और ये वाला ऑप्शन है पैरालिसिस 75, तो इसके लिए मेरे पास अभी आइटम्स है नहीं, तो कोशिश करूंगा मैं पैरालिसिस 70 के साथ ही जाने का। और एंजनाथ हार्मर पहना देता हूं मैं इसको।
बिल्लों के आर्मर का डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा मायने रखेगा नहीं, क्योंकि बिल्ले यूजुअली मरते नहीं है क्वेस्ट के टाइम पे। बस ये ध्यान रखना है कि इनके जो वेपन्स वगैरह है वो या तो स्लीप हो या तो पैरालिसिस हो, प्रेफरेबली पैरालिसिस हो। तो यार राथियन हो चुके कंप्लीट रूलर ऑफ द एजोर स्काइज। ब्लू रैथलॉस को अभी करना है मेरे को हंट, और इस बार मैंने सोचा चार्ज ब्लेड यूज़ करने के लिए। मुझे नहीं लगता राथलॉस के लिए चार्ज ब्लेड सही रहेगा, क्योंकि राथलॉस बहुत ज़्यादा हवा में रहता है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंसेक्ट ग्लेव। हाँ एक और चीज़, इंसेक्ट ग्लेव का किन्सेक्ट मैंने अभी तक बफ नहीं किया, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। मैनेज किन्सेक्ट्स में जाऊँगा और करूँगा मैं नर्चर किन्सेक्ट। जो इक्विप्ड है उसी को मैं अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। डस्ट इफेक्ट है पॉइजन, और सेकंड डस्ट इफेक्ट में है पैरालिसिस, थर्ड डस्ट इफेक्ट में है हील। फिलहाल तो मैं हीलिंग के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी दूसरे सेकेंडरी डैमेज की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्ला ऑलरेडी डैमेज कर रहा है। और कोशिश करूँगा मैं कि अजोरे रैथलोस को मैं कैप्चर कर सकूँ। मैनेज आइटम्स में चलते हैं, सब कुछ रीस्टॉक, और चल देता हूँ मैं क्वेस्ट पे। एजोर रैथलॉस जो है वो बेसिकली जो नॉर्मल रैथलॉस है उसी का एक वेरिएंट है बोल सकते हो, और उसके लेकिन मूव सेट जो है वो बहुत ही अलग है। तो भले ही नाम रैथलॉस है लेकिन उससे लड़ते टाइम लगेगा कि एक एकदम ही अलग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। कर लेता हूँ मैं मील, नाइस। देखता हूँ मेरे पास क्राफ्ट करने के लिए शॉक ट्रैप, नाइस। रिक्वेस्ट के लिए मैं हो चुका हूँ रेडी, चलता हूँ ब्लू रैथलॉस के पास। ये लगता है किसी नए मॉन्स्टर का तो भी फुटप्रिंट है। कैनन बोल्ट इधर से भी गुजर गए, उसको मैं कर देता हूँ इग्नोर, क्योंकि अभी टारगेट तो अपना अभी ब्लू रैथलॉस ही है। ओहो डोडो गाम अभी मस्ती में एकदम, इनको छेड़ूंगा नहीं मैं। अब ये गलत हुआ, तीन मॉन्स्टर एक साथ एक जगह पे और मैं अकेला। ओके ब्लू रैथलॉस जो है वो कहीं और जा रहा है, या फिर शायद नहीं। कर लेता हूँ मैं इससे एक्सट्रैक्ट कलेक्ट। वाइट एक्सट्रैक्ट हो चुका है कलेक्ट, बहुत तेज उड़ रहा है ये। आई गेस नॉर्मल रैथलोस से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। सारे एक्सट्रैक्ट हो गए कलेक्ट, कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहा है ये। मुझे नहीं लगता इसको बिना टेंडराइज के मैं कुछ कर पाऊंगा। पहला टेंडराइज, एक और बार, नाइस। इंसेक्ट भी मैंने कर लिया है चार्ज। ओ ओ ओ काफी बुरा था वो।
मुझे मूव सेट ही वो समझ नहीं आया, बट कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि देख सकते हो यार, ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको मैं फ्लिंच शॉट भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस स्पीड में ये उड़ रहा है, ओह नाइस, ओह नॉट नाइस। और दे दिया मैंने इसको फ्लिंच शॉट, नाइस। डॉज रोल सही टाइम पे कर नहीं पाया मैं। डर फॉर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं इससे भी। अरे क्यों थैनोस, बहुत ही तेज रफ्तार की अटैक थी वो। और हो गया मेरे से सवाल। जब तक थैनोस यहां से जाएगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता इस रैथलोस से मैं शांति से लड़ सकता हूँ, क्योंकि इसके जो गोले हैं आग के, वो लगातार मेरी तरफ। अरे नहीं थैनोस, नहीं थैनोस, नहीं। आई गेस रैथलोस सो चुका है और इनको सुलाया है गाजल आकाश ने, जो वो छोटे छोटे प्राणी होते हैं। नाइस डॉज रोल, लेकिन मेरा अटैक नहीं लगा और मैं हो गया हूँ स्टन। मुझे नहीं लगता यहाँ पर इन दोनों के बीच रहना अच्छा आइडिया है, थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। वेट करता हूँ किसी एक के थक जाने का, ताकि वो लोग लोकेशन चेंज कर ले। नाइस वन, इसी मौके पे मैं कर दूंगा टेंडराइज। नाइस, आई गेस रैथलोस लोकेशन चेंज कर रहा है, तो यही मौका लेते मैं इधर से निकल जाता हूँ। थैनोस पीछा ही नहीं छोड़ रहा अपना। खैर कोई दिक्कत नहीं, रैथलोस मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है उसका जो लोकेशन मेरे कैंप के पास है, लेकिन वो मेरे कैंप के पास नहीं है। मैं कर देता हूँ इसको मार्क। साउट फ्लाइस, नहीं तो ये एक और मैकेनिक है गेम का, कि अगर कैंप के पास पहुंचने के बाद भी स्काउट तुम्हारा जो मिनी मैप है वो एंगेज है, यानी कि रेड कलर पे है, तो एक बार कैंप के अंदर घुस जाओ और स्काउट फ्लाई जो है वो फिर रीसेट हो जाते हैं। बस दिक्कत ये रही कि जितने भी पावर अप्स वगैरह होते हैं वो भी रीसेट हो जाते हैं। कूल ड्रिंक की ज़रूरत है मुझे अभी। पास आ रहा था लोस, पावर अप, तीसरा पावर अप, पूरी टाइमिंग। अच्छा डॉस था वो। एक और बार कोशिश करता इसको फिर से सवार होने की। नाइस बोलते बोलते ही
बिना टेंडराइज किए मेरा जो डैमेज नंबर है वो बहुत कम ही हो रहा है, पर खैर कोई दिक्कत नहीं। पार्ट्स ब्रोकन, एक और बार, गुड शॉट। कहने के लिए तो इंसेक्ट लीव बहुत ही ज़्यादा एयरबॉर्न वेपन है, लेकिन अगर चलाना आ जाए तो ज़मीन पे भी बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया जा सकता है। नाइस शॉट, ये मौका लेके मैं कर देता हूँ टेंडराइज। एक और बार, नाइस। एक और सवारी, बहुत बढ़िया, तीन सवारी एक साथ। अब इससे बेटर क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, वो भी रैथलोस पे। एक और बार, नाइस, बढ़िया स्टार। तो यार दो दो गांव अभी यहां पर आ चुके हैं और मेरे पावर अप्स भी खत्म हो चुके हैं। रेड पावर अप कलेक्ट करता हूँ और डोडो का मैंने मेरे को ही अटैक कर दिया। कर लेता हूँ मैं खुद को हील, थोड़ा डिस्टेंस लूंगा और कोशिश करता हूँ कि खुद के वेपन को शार्प कर सकूँ। और इससे पहले कि मैं वेपन को शार्प करूँ, मैं छुप जाऊँगा इन झाड़ियों पे। बहुत ही फनी सा स्टेल्थ मैकेनिक है इस गेम में। और रैथलोस हो चुका है कमज़ोर, मिनी मैप में भी देख सकते हो स्कल का निशान आ चुका है, तो मैं इसको कर लूँगा अभी कैप्चर। कैप्चर टूल रेडी है, ट्रैंक बॉम्ब्स भी रेडी है। फॉलो करता हूँ मैं इसको इसके नेस्ट तक। वो फनी सा म्यूजिक फिर से शुरू हो चुका है यार, गजला कास का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रैथलोस अभी तक सोया नहीं है? ऑफ कोर्स, लेकिन ये लड़ किससे रहा है? मैं खुद ही कंफ्यूज हूं मुझे करना क्या है। एक जब तक ये नीचे नहीं उतरता मैं इसको ट्रैप भी नहीं कर सकता। अरे यार फिर से नहीं, और मैं हो चुका हूं स्टन। मुझे लगा था ये जैसे ही मतलब थका हुआ ये सोया हुआ होगा, शायद गेम ओवर होने वाला है अभी। सुपरमैन डाइव, पहले तो पॉइजन को करता हूं मैं कंप्लीट, खुद को कर लूंगा मैं हील। नाइस डॉज, नीचे उतर यार। गेम का एआई कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पहुंचने से पहले बिल्ले ने रैथलोस को जगा दिया। रैथलोस बुरी तरीके से गुस्सा हो चुका है। लगा देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, वेट करता हूँ इसके यहाँ तक आने का। ओके इधर आ, बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। ट्रैप टूल की ये बात रहती है कि एक बार लगा दो तो वो लगा ही रहेगा, उसके मिटने के चांसेस कम ही होते हैं।
जब तक मॉन्स्टर ट्रैप टूल को उड़ा ना दे टारगेट करके। ओके, नीचे उतर चुका है रैथलोस, लेकिन इसलिए रैथलोस को किंग ऑफ द स्काइज कहते हैं। नीचे, नाइस नाइस, वन टू, फेयर हो गया है एज़ोर रैथलोस कैप्चर, क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट और मिलेगा मुझे नया लूट। और शायद यही रीजन था कि एज़ोर रैथलोस जल्दी जग गया था। अपना कारपेट बॉम्बर ड्रैगन, द गुड ओल्ड डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। एक नया ज्वेल मिला है मुझे जो है टिपटो ज्वेल, और ये स्टेल्थ स्किल बढ़ाता है। मुझे नहीं लगता मॉन्स्टर हंटर में ऐसा कोई बहुत ही खास टाइम आने वाला है जिसमें तुम्हें स्टेल्थ स्किल का यूज होगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेस्ट में मैं जाऊंगा और इस बार मेरे पास है स्पेशल अरीना एज़ोरे रैथलोस। इसको अभी अभी मारा है मैंने तो जाने देता हूँ इसको। लवासियोत से मैंने लड़ा नहीं तो यार लवासियोत का क्वेस्ट मैं करता हूँ सेलेक्ट और चल लेता हूँ इससे भिड़ने। इस बार मैं यूज़ करूँगा चार्ज ब्लेड। आई गेस लवासियोत से ये मेरी पहली लड़ाई होगी तो कोशिश करूंगा इसको कैप्चर करने की, और जितना मुझे लगता है लवासियोत को कैप्चर करने पर कुछ तो भी फायर अटैक्स के वेपन मिल सके, मुझे नहीं पता बट मॉन्स्टर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये बहुत ही गलत जगह पर मेरे को लैंड करा दिया है। मैं चाहूँ तो फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ यहाँ से और मैं वही करूँगा। एज़ यूजुअल कैंप पे पहुँचते ही मैं पहले कर लूँगा मील और चल लूँगा लवासियोत से लड़ने। शिफ्ट जॉय स्प्लैटर, यस। नाइस, लवासियो तो अगर तुमको याद होगा लास्ट टाइम जब मिले थे उससे तब वो एकदम ही लावा कैवन्स के अंदर ही था। ये जो फुटप्रिंट्स मुझे दिख रहे हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है वो फुटप्रिंट्स नर्गी गांटे के हैं, नर्गस गाइगेंटस द एल्डर ड्रैगन। ये यहाँ कैसे आ गया? खैर कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करते हुए चलते हैं इसको। पी लेता हूँ मैं कूल ड्रिंक क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैसिव डैमेज कुछ लगे मुझे। यूजुअली कूल ड्रिंक्स का जो कूल डाउन टाइमिंग है या फिर कह सकते हो जो क्या कहते हैं कूल ड्रिंक्स कब तक लास्ट करेगा वो यूजुअली मतलब काफ़ी बड़ा विंडो होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार कूल ड्रिंक अगर पी लिया तुमने तो तुम्हें फिर से फिक्र करने की ज़रूरत पड़े कि ये जल्दी ही कूल डाउन होएगा कि नहीं। लास्ट टाइम लवासियोत को मैंने यहीं पर देखा था और ये यहीं पर है। इस पर करता हूँ मैं फायर और वेट करता हूँ इसके बाहर आने का। देख लिया उसने मुझे, एंट्री का स्टाइल बहुत स्टाइलिश है। सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा टेंडराइज क्योंकि जितना मुझे लगता है
लवासियो क्योंकि मैग्मा से जुड़ा हुआ है। लवासियो क्योंकि मैग्मा से जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता उसको नॉर्मल डैमेज से कुछ असर होने वाला है। और शरीर भी उसका उतना ही टफ होगा। जैसे कि मैंने कहा था, शरीर काफी टफ है इसका। और बुरी बात तो यह है कि मैं पैरों पे अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पैर उसके टेंडराइज नहीं हो सकते। बढ़िया पंकड़ बिल्ले। अरे यार मैं कर क्या रहा हूं। मेरे अटैक से कोई फायदा ही नहीं है यार, क्योंकि इस पर अटैक्स लग ही नहीं रहे। इसको सैवेज एक्स मोड से ही मारना पड़ेगा। सर पर एक और बार, नॉट बैड। हिप चेक फिर से, नाइस। बुरी टाइमिंग। नीचे जा चुका है ये, और यूराटोटिस की तरह ये भी लगता है एकदम नीचे से ही वार करने वाला है। और इसके पास कुछ नए शिनानी गन्स है। अटैक करते टाइम ओके, मेरे पर ही ये लावा फेंक रहा है अटैक करते टाइम। ये बहुत ही खतरनाक है। थोड़ा डिस्टेंस ले लूंगा मैं। सैवेज एक्स चालू। बढ़िया स्टन, उसके रोर के ही टाइम पे मैंने उसको स्टन कर दिया। पार्ट ब्रेक, नाइस। एक और बार, एक और, ना। काफी अच्छा सेट्स था वो डैमेज का, या फिर कह सकते हो काफी अच्छा, क्या कहते हैं, सीरीज थी वो डैमेज की। वेपन कर लिया मैंने शार्प, और ब्लेड भी मैं चार्ज कर सकता हूँ शायद। ना, ब्लेड में चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लेड में मेरी बाटली अब पूरी तरीके से फुल नहीं है। चढ़ चुका हूं मैं इसके ऊपर। और कोशिश करूंगा जितना भी डैमेज है उसके सर पे देने के लिए, या फिर एटलीस्ट जो फाइनल डैमेज रहता है माउंटिंग का वो उसके सर पे दे सकूं। थानोस भी इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन डैमेज नहीं कर रहा, सिर्फ दहाड़ रहा है। यूजलेस। कर दिया मैंने इसको टेंडराइज। कर देता हूं शील्ड को चार्ज पहले। थैंक्स बिल्ले। दो मॉन्स्टर है, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर पैसिव डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इनसे पंगा नहीं लेना चाहता मैं। नाइस जंप। ये क्यों हुआ, ये चीज मुझे समझ नहीं आया। शायद इन छोटे जानवर ने मुझे, क्या कहते हैं, से हटा दिया, क्या की क्लच क्लॉ से हटा दिया। और ओके, ऑफ कोर्स मैं स्टन हो चुका हूं।
बड़े मॉन्स्टर्स पर गुस्सा आए ना आए, मैं इन छोटे मॉन्स्टर्स को बहुत गुस्सा आता है मुझे। मेरे पोशंस भी खत्म हो चुके हैं। अरे थैनोस के गोले अभी तक थे। शॉट मिस्ड, नाइस, सुपर एम्प्ड एलिमेंटल डिस्चार्ज, नाइस। मौका यही है, डैमेज देता हूं इस टाइम पे। नाइस डॉज रोल, स्वॉर्ड भी मैं कर चुका हूं चार्ज। नाइस डॉज, बढ़िया डॉज, एक बार फिर से। सैवेज एक्शन चालू। अगर स्वॉर्ड और शील्ड दोनों एक ही टाइम पे चार्ज हो और तुम सैवेज एक्शन से तब अटैक करते हो, तब डैमेज तुम्हारा और बढ़कर आने वाला है। डैमेज नंबर जो है वो काफी स्पाइक हो जाते हैं। बुरी टाइमिंग। मेरा शार्पनेस फिर से खत्म हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। थोड़ा तो फिर मैं गैप ले लूंगा मॉन्स्टर से और कोशिश करूंगा कि अपने शार्पन को वापस ला, शार्पनेस को वापस ला सकूं। ओ हाँ, नॉट बैड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाइस डॉज रोल, लवासियो तभी तक कमजोर नहीं हुआ, काफी बड़ा हेल्थ पूल है इसका। एक और बार कर देता हूं मैं इसको टेंडराइज। शील्ड चार्ज, एक और बार, नाइस, सुपर एम्प्ड एलिमेंटल दिस चार्ज, नाइस, एक और बार, नाइस ट्राई, थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूं मैं। कूल ड्रिंक्स इफेक्ट हैज वॉर्न ऑफ और लवासियत भी हो चुका है कमजोर। एक और बार मैं कूल ड्रिंक पी लेता हूं और देखता हूं मेरा ट्रैप टूल रेडी है कि नहीं। क्राफ्टिंग लिस्ट, शॉक ट्रैप रेडी। तो लवासियत को भी अभी मैं कर सकता हूं कैप्चर। काफी बड़ा हिटबॉक्स है। और ये क्वेस्ट कंप्लीट। लवासियत की डिजाइन से ही देख सकते हो जो जुराटोटोस और लवासियत है वो शायद दोनों एक ही जीनस के हैं, या फिर कह सकते हो एक ही फैमिली ट्री के हैं। डिफरेंस क्या है कि लवासियो जो है वो हीटेड इलाके में रहने के लिए ज़्यादा अडेप्टेड है और जुराटोटस पानी में रहने के लिए ज़्यादा अडेप्टेड है।
और जितना मुझे दिख रहा है लवासियत का जो लूट है वो बेसिकली वाइट कलर का लूट है, या फिर कह सकते हो कि वाइट कलर के ड्रॉप्स है। और अगर तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम जब चेक किया था लास्ट वाले एपिसोड पे कि वेपन्स का जो एक और अपग्रेड था वो किसी वाइट कलर के लूट पे बेस्ड था, तो एक बार चेक कर लेते स्मिथि के साथ अपग्रेड इक्विपमेंट। नहीं, आइकन सेम है लेकिन आइटम जो है वो सेम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से चलते ऑप्शनल क्वेस्ट पे। राथलॉस इन ब्लू, इसको तो अभी अभी मैंने कंप्लीट किया था। एनी हाउ, वेल दैट्स डियाब्लोस लेगियाना ओवर ईटिंग ऑक्यूपायर। तो यार इस बार डियाब्लोस को मैं हंट करता हूँ या फिर लेगियाना को। लेगियाना के लिए लास्ट टाइम मैंने इंसेक्ट ग्लेव यूज़ करने की कोशिश करी थी लेकिन उसके एरियल अटैक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, तो इस बार मैं यूज़ करूँगा ग्रेट स्वॉर्ड या फिर मैं, हाँ ग्रेट स्वॉर्ड ही सही है क्योंकि लॉन्ग स्वॉर्ड मैंने यूज़ कर लिया है और इंसेक्ट ग्लेव भी यूज़ कर लिया है, तो इस बार ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ करना सही है। ऑलराइट, एज यूजुअल उतरते ही मैं कर लूंगा एक मील, शेफ चॉइस प्लेटर। यस, काफी जोशीली आवाज है मेरी कैरेक्टर की। एनीहाउ, तो यार चल लेते हैं लेगियाना को लज़ानिया बनाने। पहला फुटप्रिंट, और जितना मेरा अंदाजा है लेगियाना एकदम सामने वाले अरीना में ही उतरने वाला है। ये उठा लिया मैंने स्लिंगर एमो और ब्लू मार्क्स राइट। यस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत ही जल्दी एक और नए मॉन्स्टर का मुझे हिंट मिलने वाला है। मैं वेट करूंगा यहां पर लेगियाना का, जितना मुझे लगता है वो यहीं पर शायद कुछ टाइम के अंदर मौजूद होएगा। और जैसे कि मिनी मैप में देख सकती है लेगियाना दिख रहा है मिनी मैप में, और हलचल हो रही है मिनी मैप में लेगियाना के आइकन में, तो जितना मुझे लगता है कुछ ही टाइम पे लेगियाना यहाँ पर लैंड ही करने वाला है। और ये आ गया यहाँ पे। ऊपर से तुम इसका डिज़ाइन देख सकते हो यार कि एकदम क्या कहते हैं एक्वाटिक क्रीचर्स की तरह इसका डिज़ाइन है, तो कोशिश करूंगा ग्रेट स्वॉर्ड से इसको एक बहुत बड़ा डैमेज देने की ऊपर से। डॉज रोल नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। एक और ये वॉल बैंक, नाइस। अच्छा सेट था वो डैमेज का। कोशिश करूंगा इसको पैरों पे टेंडराइज करने की। बुरी टाइमिंग, फिर से गलत जगह अटक गया मैं। ओह, बहुत ही सही पोजीशनिंग थी मेरी उस टाइम पे। बुरा हाल, वेट करता हूँ इसके पास आने का और अब मैं इसको, यार फिर से नहीं, एक और बार कोशिश करता हूँ यार। नाइस, पहला टेंडराइज सक्सेसफुल। शॉट लैंड नहीं करा,
या फिर कर दिया। और ये ट्रू चार्ज्ड स्लैश पार्ट ब्रेक नाइस। मुझे इसकी पूंछ चाहिए आज, तो इसकी पूंछ को मैं कर दूंगा पहले टेंडराइज। नाइस डॉज। एक और बार चार स्लैश ना, मिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से कोशिश करूंगा। बहुत ही बढ़िया डॉज था वो, और ये बहुत ही बेकार अटैक। थैंक्स मार्कर बिल्ले। उसका एग्रो खत्म हो चुका है। नाइस राइड। लेगियाना की रफ्तार जो है वो बाकी मॉन्स्टर से काफी फास्ट है, खासकर राइडिंग के टाइम पे, क्योंकि राइडिंग के टाइम पे लेगियाना जो पोजीशन चेंज वगैरह करता है ना। ओह, लगता है ये फिर से पैरालाइज हो गया, और इस बार पैरालाइज किया इसको गजलाकाज ने। पहला टेंडराइज ट्रू चार्ज स्लैश नाइस। कोशिश करता है इसको वॉल बैंक देने की। नाइस, और मुझे चाहिए इसकी पूंछ। टू, और ये काफी बुरी टाइमिंग थी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना मुझे नहीं लगता अभी तक कमजोर हुआ है। जैसा कि ऊपर जाकर देख सकते हो, या फिर कमजोर सही में हो चुका है, क्योंकि लगियाना लगा है छटपटाने। तो यार इसको मैं कोशिश करूंगा ग्रेट स्वॉर्ड से वेकअप हिट देने की। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी कोशिश पे कर सकते हैं। पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है ग्रेट स्वॉर्ड से, अगर वेकअप हिट देना चाहो। किसी भी वेपन पे पोजीशनिंग काफी मैटर करता है अगर वेकअप हिट देना चाहो तो। इंसेक्ट ग्लेव के वेकअप हिट्स यूजुअली काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि एयरबॉर्न रहता है इंसेक्ट ग्लेव मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर ग्रेट स्वॉर्ड या फिर चार्ज ब्लेड या फिर स्विच एक्स से वेकअप हिट देना चाहो तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन वेपन्स में पोजिशनिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि जो लास्ट हिट है वो कहाँ पर लगने वाला हो। कुछ नए रिसोर्सेस है यहाँ पे, तो वो मैं कर लेता हूँ कलेक्ट। नाइस, ओके, तो वेकअप हिट 101। सबसे पहले मैं लेके आना कि सर के पास जाऊँगा और ब्लॉक का बटन दबाऊंगा ग्रेट स्वॉर्ड से, और एक कदम पीछे आऊंगा। तो यार ये था ग्रेट स्वॉर्ड का वेकअप हिट। पोजीशनिंग थोड़ी मैटर करती है। लेगियाना से डॉज रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके आई फ्रेम का मोमेंट मेरे को सही से नहीं पता। खा लेता हूं मैं एक नल वेरी, क्योंकि मुझे लग चुका है आइस ब्लाइट। एनिमेशन में अटक गया था तो कैंसिल करना मैं भूल गया। एनी हाउ, ओ नाइस हिट। जैसा कि तुम देख सकते हो यार,
आइस ब्लाइट से मेरा स्टैमिना बहुत ही कम होने लगा है, और लेग्याना को मैंने शोल्डर टैकल करके ही हवा से नीचे गिरा दिया। खा लेता हूं मैं एक मलबेरी। टेंडराइज मुझे लगता है खत्म हो चुका है। पूंछ काटते काटते क्वेस्ट कंप्लीट, नॉट बैड। काफी ज्यादा इंटेंस लास्ट मोमेंट था ये, नाइस। तो यार अभी रहते कुछ और ऑप्शनल क्वेस्ट मेरे पास, जो कि कुछ कुछ जो है उनमें से रिपीटेटिव है तो उनको मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन जो नॉन रिपीटेटिव है उनको कोशिश करूंगा कि पूरा सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करने की। तो क्योंकि मेरे पास 40 सेकेंड्स हैं, मैं तब तक माइनिंग आउटक्रॉप से रिसोर्सेस कर लूंगा फार्म। आज के दिन की कमेंट्री थोड़ी स्लो है दोस्तों, क्योंकि एंगेजिंग फाइट्स है और फाइट में ध्यान देते देते कमेंट्री करना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। होपफुली तुम एंजॉय कर रहे हो वीडियो देख करके, फाइट्स देख करके। तो वो कर लिया है लेगियाना को लूट, और जैसा कि यार तुम यहाँ पर देख सकते हो लेगियाना का जो पूंछ है यहाँ पे, वो भले ही मैंने काटा ना हो लेकिन वो पूंछ मुझे मिल चुका है, क्योंकि दो पार्ट ब्रेक्स मैंने किए थे शुरू के टाइम पे जब मैं लेगियाना पर सवार था, और उसी टाइम पे शायद से पूंछ का पार्ट ब्रेक हुआ और इसलिए मुझे पूंछ भी मिल गया। वेल एंड गुड। तो यार चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेस्ट पे, पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल मास्टर रैंक। अजोरे रैथलोस हो चुका है ख़त्म, उरागान बाकी है, डियाब्लोस बाकी है। तो पहले मैं जाता हूँ उरागान पे, क्योंकि उरागान से मुझे नफरत है। तो याद होगा लवासियत को मैंने जब कैप्चर किया था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। खैर तो उरागान की फाइट के लिए फिर से मैं जाता हूँ लॉन्ग स्वॉर्ड पे। आई गेस यही सही है। पहले लॉन्ग स्वॉर्ड, फिर इंसेक्ट ग्लेव, फिर चार्ज ब्लेड, फिर ग्रेट स्वॉर्ड, वही साइकिल मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा। एज यूजुअल सबसे पहले मैं करूँगा मील। पे विद मनी, सेफ चॉइस प्लेटर, यस। खाना खाने के बाद अपना कैरेक्टर काफी जोश में आ जाता है। वेल एंड गुड। मेरे पास अभी पोशंस तो भरे हुए हैं लेकिन मैक्स पोशंस मेरे पास कम है ऐसा लग रहा है। और सामने ही उरागान मुझे दिख चुका है। स्लिंगर एमो मेरे पास है नहीं देखकर लग रहा है, और सामने ही पैराटोड है, मैं पैराटोड को लात मार देता हूं। और उरागान जमीन के अंदर चला गया। यार ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। खैर जो भी है, तो यार जैसे कि तुम मैप में देख सकते हो मैप मेरे कैरेक्टर्स के साथ घूम नहीं रहा, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा ऑप्शन में, यहाँ पर कहीं तो भी मैप का ऑप्शन होएगा, वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कीबोर्ड ऑप्शंस, मैप्स, हाँ मिनी मैप फिक्स्ड है, इसको रोटेटिंग लगा दो। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कैरेक्टर हमेशा फ्रंट की तरफ फेस करेगा और मैप जो है वो रोटेट होता रहेगा, जैसे कि हर गेम में होता है यूजुअली। उरागान इधर आ चुका है, इसको मैं मारता हूँ पत्थर से। इसके ऊपर ये गिरा देता हूँ।
और क्योंकि नरगी कांटे के कांटे हैं यहाँ पे, मैं उसको भी उठा लूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उरागान जो है वो एक डोसाइल जानवर है, क्योंकि मैं इसके सामने खड़ा हूँ वो कुछ कर नहीं रहा। मैंने एग्रो किया इसको शायद नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। चिल श्रूम उठा लूँगा और कूल ड्रिंक पी लूँगा ताकि पैसिव डैमेज ना हो। उरागान मेरे को ऐसे क्यों इग्नोर कर रहा है? आ जा थैनोस, करता हूँ मैं इसको वॉल बैंक। नाइस, सबसे पहले मैं करूँगा इसके सर को टेंडराइज, क्योंकि अगर याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने उरागान से फाइट करा था इसका चिन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। नाइस, उरागान अभी भी मुझे इग्नोर करने में लगा है। तो यार उरागान से यहाँ पर एक ऐसी बढ़िया सीख मिलती है, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ऐसे इग्नोर करो जैसे उरागान मुझे इग्नोर कर रहा है। ओह नाइस, अभी आया ना एग्रो पे। फोरसाइट अच्छा था लेकिन शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। बुरी टाइमिंग। एक और बार बुरी टाइमिंग और ये फटने ही वाला है उरागान का गोला। पास आ थैनोस, इसके अटैक्स जो है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। मैं समझ नहीं पा रहा फोरसाइट कब करना है या फिर डॉज कब करना है। नाइस वन बिल्ले, पहला कॉम्बो मैं कर लेता हूं। स्पिरिट गेज वन हो चुका है फुल। इस टाइम पे मुझे फोरसाइट करना चाहिए था लेकिन दिखा नहीं मुझे सही से। ग्राउंड ट्रेमर से भी यार ये तो बहुत बुरी चीज है। पहले इसने मुझे ग्राउंड ट्रेमर से स्टन किया, उसके बाद उसी विंडो को लेकर इसने मुझे अटैक किया। खैर कोई दिक्कत नहीं। मेरा शार्पनेस बहुत कम हो चुका है यार। नाइस फोरसाइट लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। और फोरसाइट हो चुका है कनेक्ट, स्पिरिट गेज हो चुका है फुल। कोशिश करता हूं इसको कहीं ना कहीं तो एक बार टेंडराइज करने की ताकि जो शॉट्स है वो अच्छे से कनेक्ट हो, या फिर जो हेल्म ब्रेकर है उसका डैमेज फुल हो। एक और बार करूंगा मैं टेंडराइज। नाइस, मौका लेके कर देता हूं मैं अपने वेपन को शार्प। और डोडोगाम अभी यहां पर आ चुका है। तो यार वेपन हो चुका है शार्प, अब इसको टाइम है बड़ा डैमेज देने का। नाइस वन डोडो गामा, एक और बार। नाइस, ओ ओ बहुत ही बुरे टाइमिंग पे उसने टर्न किया। उसका ग्राउंड ट्रेमर का जो एरिया ऑफ इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है और जो स्टन एनिमेशन है वो भी बहुत बड़ा है।
कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करूँगा। नाइस वन टोटो गामा। शॉट मिस। बहुत ही अधेड़ रास्ते से घुसकर वो जा रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं घुस सकता। बहुत सही, अब मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैप में इसको मैं कर देता हूँ लॉक, लेकिन उरागान अभी मैप में दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ यहाँ पे, नाइस। होपफुली स्काउट फ्लाइश जो है मुझे उस तक पहुंचा दे। और यहां पर खड़े हैं अपने उरागान। फोरसाइट काम नहीं किया, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। ये क्या था यार, मैं तो पास भी नहीं था उसके। खैर कोई दिक्कत नहीं, और ये हो चुका हूं मैं इसमें सवार। नाइस। क्योंकि काफी सारे एरियाज जो है इसके शरीर के टेंडराइज नहीं है, सिर्फ पीठ टेंडराइज है, तो मेरे पास डैमेज देने के लिए ज्यादा एरिया बचा नहीं है। तो जो भी मैं इसको डैमेज दे रहा हूं उसका फुल पोटेंशियल मुझे मिल नहीं पा रहा। यार जो भी है, कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना ज़्यादा डैमेज देने के लिए। वाइट डैमेज जो कि सही चीज़ नहीं है। गॉज हो चुका है फुल। अरे यार फिर से नहीं। ये बहुत ही खतरनाक अटैक था। बढ़िया टाइमिंग। मुझे लगा वो मेरे को मारने वाला है। खैर जो भी है, और यार उरागान हो चुका है कमजोर, या फिर शायद नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे उसके मिनी मैप में स्केलेटन का निशान नहीं दिख रहा। तो रिस्क नहीं लूंगा मैं, क्योंकि स्केलेटन का निशान नहीं है, मैं इसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो इसको मैं कर देता हूँ वॉल बैंक। नाइस। अरे यार लास्ट शॉट नहीं लगा। उरागान बाद मारने की कोशिश कर रहा है। खैर हाँ, लॉन्ग शॉट का एक चीज है कि एक स्पिरिट गेज तुम तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा स्पिरिट गेज का जो रेड बार है, अगर तुम ऊपर देख सकते हो, वो फुल ना हो। और यार पूरा गान हो चुका है खत्म, क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट, जाकर लूट लेता हूं मैं इसको। काफी उरागान की फाइट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, उरागान की फाइट बहुत ज्यादा अनोइंग रहती है, क्योंकि उसके जो एरिया अटैक्स है, या फिर कह सकते हो उसके जो माइंस वाले अटैक है, वो जो अपने पूंछ से छोटे छोटे आग के गोले फेंकता रहता है, एक टाइम बाद वो मतलब क्या कहता है, बहुत ज्यादा सरदर्द बन जाता है।
20 सेकंड बचे हैं, तब तक मैं कर लेता हूँ जितने रिसोर्सेस कलेक्ट। उरागान के लिए अगर मैं डुअल ब्लेड्स अपग्रेड कर लेता तो उससे भी लड़ सकते थे, क्योंकि काफ़ी लंबा शरीर है इसका और डुअल ब्लेड से कैप्टन लीवाई वाला मूव लंबे शरीरों पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम आता है। इनफैक्ट अगले आने वाले एपिसोड में और भी लंबे लंबे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, तो उसमें मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि डुअल ब्लेड की एक्चुअल पावर क्या होती है। यार ये भी हंट हो चुका है कंप्लीट, अब शायद आखिरी हंट बचता है मेरे पास, तो वो है डियाब्लोस का। वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे बहुत अच्छे, और डियाब्लोस को मारने के लिए मैं यूज करूंगा, लेट्स सी, डियाब्लोस को मारने के लिए मैं यूज करूंगा चार्ज ब्लेड। तो चार्ज ब्लेड तैयार है, तो चलो चल लेते हैं डियाब्लोस पे। जैसे कि ऊपर देख सकते हो क्वेस्ट अभी तक लोड हो रहा है। वाइल्ड स्पायर वेस्ट काफी बड़ा मैप है, बहुत ही गलत जगह पर विंग ड्रेक ने मुझे ड्रॉप किया। कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे कभी भी विंग ड्रेक बहुत ही अधेड़ सी जगह पर तुम्हें ड्रॉप करे तो कैंप पर फिर से फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। एज यूजुअल कर लूंगा मैं एक मील, स्टैमिना और हेल्थ हो चुका है मेरा फुल, और अब चल लूंगा मैं डियाब्लोस से लड़ने। जितना मुझे शक है डियाब्लोस अपने डेन के ही अंदर होगा, या फिर शायद नहीं। और डियाब्लोस सामने है, बढ़िया। यहां पर स्लिंगर एमो अगर मिले तो नाइस, स्लिंगर एमो मिल चुका है मुझे। डियाब्लोस को कर देता हूं मैं वॉल बैंक, और इसके सर को कर दूंगा मैं टेंडराइज। और डियाब्लोस लग रहा है कि छुपके अटैक करने वाला है कायरू की तरह। डॉज रोल की टाइमिंग सही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया डॉज। और ये शील्ड हो चुका है चार्ज, कोशिश करता हूं डियाब्लोस को एक बार फिर से स्टन करने की। नाइस, और ये सैवेज एक्स हो चुका है चालू, अब इसको मैं दूंगा कंटिन्यूअस डैमेज। डियाब्लोस इतनी देर तक स्टन है, उसको खुद ही पता नहीं चल रहा कि कहां से डैमेज आ रहा है। चलो अपने लिए अच्छा है, थैंक्स मार्कर विले। मार्कर विले ने एक बार डियाब्लोस को कर दिया है स्टन, और ये सुपर एम्प्ड एलिमेंटल डिस्चार्ज, नाइस। बहुत ही क्लोज कॉर्नर में फंस चुका था मैं, बढ़िया गार्ड, नाइस डॉज, सुपर एम्प एलिमेंटल डिस्चार्ज, और वो भी एकदम सर पे, बढ़िया शॉट। आ
एक और बार डैमेज। कोशिश करता हूँ खुद को यहाँ से हील करने की। विगर वॉस तैयार है। सैवेज एक्स भी शुरू है। डियाब्लोस हो चुका है स्टन और यहाँ पर मैं उसको कोशिश करूँगा देने की ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज। यार शार्पनेस बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है। बढ़िया डॉज रोल, आई फ्रेम किया मैंने उसके और काफ़ी जल्दी मैंने डियाब्लोस को कर दिया है कमज़ोर। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मास्टर एंड डियाब्लोस है मैं ट्राई करूँगा इसको कैप्चर करने के लिए। देखता हूँ मेरे पास कुछ ट्रैप टूल्स बचे होंगे या नहीं। मैं जाऊँगा आइटम बॉक्स पे, मैनेज आइटम्स, सब कुछ कर लूँगा मैं रीस्टॉक। क्राफ्टिंग लिस्ट और मैं क्राफ्ट कर दूँगा शॉक ट्रैप। तो यार जैसे कि देख सकते हो ट्रैप टूल्स मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने ख़रीदा नहीं था प्रोविजन स्टॉक पाइल मैनेजर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि डियाब्लोस को मरना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं डियाब्लोस को वेकअप हिट नहीं दे सकता क्योंकि मेरे सारे बाटलियां खत्म है चार्ज ब्लेड के। इसके रास्ते से मैं हट जाता हूँ और उस टाइम पे मैं कर लूंगा अपना शील्ड चार्ज। नाइस डॉज। बढ़िया टाइम पे उसके रास्ते से मैं हट गया। इससे पहले कि वो मुझे कॉर्नर कर दे मैं यहां से निकल लूंगा। और ये सैवेज एक्स हो चुका है शुरू और डियाब्लोस हो चुका है खत्म। मजेदार क्वेस्ट था। सोचा था कि डियाब्लोस को कैप्चर करूं बट ऐसा हो नहीं पाया। मिल चुका है मुझे तीन तरह के लूट। 40 सेकंड बचे हैं मेरे पास, तो उसी टाइम पर मैं फिर से माइनिंग कर लूंगा। नाइस। डियाब्लोस की दांत का डिजाइन भी देख सकते हो कितने अजीब से है। लेकिन मॉन्स्टर हंटर के लोर के हिसाब से डियाब्लोस जो है वो शाकाहारी जानवर होते हैं। सुनकर अजीब लग रहा होगा बट जो है सो है। और इनके दांत की बनावट ऐसी इसलिए है क्योंकि वाइल्ड फायर वेस्ट में इनको यूजुअली कैक्टस खाना पड़ता है और इसलिए इतना ज़्यादा आउटर स्केलेटन है इनके दांतों में। तो यार एक बार चल लेते स्मिथी के पास, देखते हैं आर्मर से रिलेटेड या फिर आर्मर के या फिर वेपन से रिलेटेड कुछ और होगा कि नहीं, या फिर आर्मर और वेपन को छोड़ करके इसके पास कुछ और होगा कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ चार्म्स की। अपग्रेड इक्विपमेंट या फिर फोर्ज इक्विपमेंट, मैं जाता हूँ चार्म्स पे। तो काफ़ी नए चार्म्स मैंने कर दिए अनलॉक। मेंटेनेंस जो कि क्या कहते हैं, जो स्पेशल टूल्स रहते हैं अपने पास जैसे कि मेंटल्स वगैरह होते हैं उनको, उनका जो टाइमिंग है वो बढ़ाने के लिए। ग्रिट चार्म जो है, देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। हीरोइक्स, नाइस। ब्रेकर चार्म जो है वो पार्ट ब्रेकर का स्किल बढ़ाता है, यानी कि जो भी पार्ट पर तुम अटैक कर रहे हो उसको तोड़ने के लिए यूजुअली जितना डैमेज देते हो उससे कम डैमेज लगेगा। फोकस चार्म यानी कि जो कि
स्वॉर्ड्स वगैरह जो है कह सकते हो, जैसे कि ग्रेट स्वॉर्ड्स वगैरह है, या फिर चार्ज ब्लेड भी लगा लो, उनके जो है बार्स चार्ज होने के लिए, या फिर ग्रेट स्वॉर्ड का चार्जिंग फास्ट एंड अप करने के लिए फोकस यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटर वीकनेस एक्सप्लॉयट, यानी कि किसी भी पार्ट पर अगर तुमने टेंडराइज करा हो तो उस पर तुम्हें एडिशनल डैमेज मिलेगा। ट्रेमर रेजिस्टेंस ईयर प्लग, हंटर्स लाइफ, ट्रिक शॉट, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो कि तुम्हारा जो शार्पनेस है ब्लेड का वो थोड़ा और बढ़ जाता है। और देखते हैं क्या है। ड्रॉ चार्म, डिमोलिशन, वायम, ड्रैगन ब्लास्ट, शीथ, मास्टर्स। मैं जो चार्म ढूंढ रहा हूँ वो अभी तक शायद अनलॉक हुआ नहीं है। और वो चार्म बेसिकली है कि लाइट वेपन से भी एक ही बार में टेंडराइज हो सके। तो यार अभी जिस चार्म की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो लगता है शीथ चार्म, क्योंकि वो क्विक शीथ का जो स्किल है वो बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि जो वेपन्स वगैरह तुम जो तुमने इक्विप कर रखा है उसका जो शीथ का एनिमेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो देखता हूँ इसका अपग्रेड मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो यार अपग्रेड तो अवेलेबल है नहीं, पर ठीक है, शीथ चार्म मुझे मिल चुका है, यानी कि ग्रेट स्वॉर्ड, चार्ज ब्लेड, स्विच एक्स, इनकी जो शीथिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो यार अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शनल क्वेस्ट बचते हैं, लेकिन आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा। आज के वीडियो पे जो सिर्फ हंट्स पर ही बेस्ड थे, ऑल किलर नो फिलर। तो यार कल के एपिसोड पे देखेंगे और कौन कौन से ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह है, और कोशिश करेंगे कि स्टोरी मिशन और थोड़ा आगे बढ़ा सके। तो यार इसी के साथ मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ। सिया।